विश्वविख्यात भगवान पशुपतिनाथ को शिवना के तट पर भी ठंड का एहसास हुआ। भगवान पशुपतिनाथ को इस ठंड के मौसम में कंबल उड़ाया गया। भक्तों के इस अनूठे आयोजन की खूब सराहना हो रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तरी हवाओं ने जहां हर वर्ग को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है, वहीं मंदसौर के भगवान अष्टमुखी पशुपतिनाथ पर भी इसका असर दिखा है। पशुपतिनाथ के भक्तों और मंदिर प्रबंध समिति ने भगवान को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम किए। भगवान के गर्भगृह में रात्रि में जहां हीटर लगाया गया, वहीं भगवान को कंबल भी उड़ाया गया। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी भगवान पशुपतिनाथ को पुजारियों ने प्रतिमा को कंबल से ढका। पुजारियों के अनुसार जिस तरह भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही दशपुर नगरी मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का ख्याल रखा जाता है। वही मानना है कि जब इंसान को ठंड लग सकती है तो जीवन देने वाले भगवान को क्यों नहीं। ये पाठोत्सव मेला प्रारंभ समाप्त होने के बाद में भगवान को कंबल ओढ़ा जाता है प्रति वर्षानुसार, और गर्मी तक, जब तक गर्मी नहीं आ जाए तब तक होली तक भगवान को कंबल ओढ़ाया जाता है। उसके बाद में फिर भगवान को, क्योंकि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, तो जिस प्रकार से प्राणी मात्र को ठंड लगती है तो यह भक्तों का लाड़ है, भावना का सवाल है, भगवान को भी ठंड लगता होगा, लगती होगा, ऐसा मानते हुए हम पुजारी सभी मिलकर के भगवान को कंबल ओढ़ाते हैं ताकि भगवान को ठंड नहीं लगे। कुल मिलाकर यह आस्था और विश्वास की डोर ही है जो भगवान और इंसान के बीच बंधी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।